हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 2x2x3 क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगी। ये एक बहुत बेसिक सा क्यूब है। अगर आप क्यूबिंग सीखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये बहुत ही इजी है सीखने के लिए। इसके बाद आप 3x3, 4x4 में जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर एक क्यूब में एक ही जैसा कलर कोऑर्डिनेशन रहता है, चाहे वो आप कोई भी क्यूब लें। कलर के शेड्स लाइट और डार्क ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो कलर सेम होगा। ये कलर कोऑर्डिनेशन मैं आपको इस क्यूब के थ्रू बताती हूँ। ये 2x2 क्यूब है, देख सकते हैं आप। ग्रीन के अपोजिट में ब्लू है, मींस ग्रीन एंड ब्लू पार्टनर्स है। ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं ऑलवेज। ऑरेंज के अपोजिट रेड है, ऑरेंज और रेड पार्टनर्स हुए, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। व्हाइट एंड येलो पार्टनर्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये कलर कोऑर्डिनेशन हमें याद रहता है, पता होता है, तो क्यूब सॉल्व करना आसान होता है। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे इस क्यूब में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2x2x3, इसमें कितने साइड्स लेयर्स होते हैं। ये टॉप लेयर है जिसे हम राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ये बॉटम लेयर है, इसे भी हम राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ये फ्रंट लेयर है और ये पीछे जो आपके बैक साइड में होता है वो बैक लेयर है। इन दोनों लेयर्स को हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। और ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट साइड। हम राइट और लेफ्ट साइड को अप और डाउन मूव कर सकते हैं। ये इसकी मूवमेंट्स के बारे में हो गया। सबसे पहले हम क्यूब के इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फेस को और बॉटम के इस फेस को। इसमें आपको 3 सिचुएशंस आ सकती है। 1 ऐसी जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट होगा, येलो ऐसे और वाइट ऐसे। 2 ऐसी जिसमें हाफ येलो रहेगा, हाफ वाइट रहेगा। और जो 3rd सिचुएशन आती है वो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 स्टेप, ये देखिए 3rd सिचुएशन ऐसी आती है। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है, तो आप सबसे पहले उसको ऐसे घुमा दीजिए तो ये आपको ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें 1 मिसमैच पीस है, नीचे भी 1 मिसमैच पीस है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। ये मिसमैच पीस अगर आपने इस साइड रखा हुआ है तो जो डाउन पोर्शन का, बॉटम का जो ये मिसमैच पीस है वो इसके इस साइड वाली लाइन में आना चाहिए, मींस इस पोजीशन पे। तो मैं इसे घुमा के इस पोजीशन पे लाई। अब यहाँ का मिसमैच पीस इस लाइन में, मीन्स इसके नेबर वाले लाइन में, और ये इधर है। तो अब इसको आप अगर ऐसे घुमा देंगे तो देखिए आपको हाफ वाली सिचुएशन आ गई। और ये बहुत इजी है। अगर ये वाइट इस तरह है तो आपको नीचे का वाइट इस पोर्शन पे लाना है, मींस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लाने के लिए इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ये यहाँ आ गया, ये देखिए। ये अगर घुमाएंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा। ये आपका साइड पूरा सॉल्व हो गया है, ये भी फेस आपका पूरा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है उसका, ये पोर्शन, ये पूरा टॉप लेयर और ये पूरा बॉटम लेयर हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम एक एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। एक स्टेप, सेट ऑफ स्टेप्स है, वो ये रहा इस पेपर में, आप क्लियरली देख सकते हैं। पहले आप चेक कर लीजिए कि कोई भी आपको मैचिंग साइड्स दिख रहे हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये यस, ये मैचिंग है। तो जो मैचिंग साइड है उसको आप लेफ्ट में होल्ड कर लीजिए और राइट से ये स्टेप शुरू कीजिए। कभी कभी आपको सेम नहीं मिलता एक भी साइड, तो आप ये स्टेप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बट दिस टाइम हमें एक साइड मैच मिला है, इसलिए हमने उसे लेफ्ट हैंड में होल्ड किया है एंड राइट साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। राइट अप, आप देख सकते हैं इसमें, टॉप लेफ्ट, राइट अप, टॉप राइट, राइट अप। यहां तक जो है वो राइट और टॉप का कॉम्बिनेशन था। अब फ्रंट लेयर और टॉप का स्टार्ट होगा। फ्रंट अप,
टॉप राइट, फ्रंट अप, टॉप लेफ्ट, फ्रंट अप। आप जैसे कि देख सकते हैं टॉप लेयर आपकी पूरी सॉल्व हो गई। अब आप इसे उल्टा कर लीजिए और इस लेयर को भी सेम मेथड से सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ कोई साइड मैच दिख रही है? ये नहीं है, ये नहीं है, यस ये है। अगर नहीं है कोई भी तो कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, और मैचिंग है तो उसे आप लेफ्ट हैंड में होल्ड कीजिए और राइट से स्टार्ट कीजिए। सेम स्टेप्स, राइट अप, टॉप लेफ्ट, राइट अप, टॉप राइट, राइट अप, देन फ्रंट वाला पार्ट शुरू। फ्रंट क्लॉकवाइज, टॉप राइट, फ्रंट क्लॉकवाइज, टॉप लेफ्ट, फ्रंट क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं आपका ये लेयर भी पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको कलर थोड़ा सा रोटेट करके मैच करेंगे, रेड को रेड में, ब्लू को ब्लू में। अरे वाह, अब हम ये चेक करेंगे कौन सी लाइन मैच है, कौन सा ये वाला पार्ट मैच है। तीन सिचुएशन आती है, कभी कभी एक भी नहीं मैच होता है, कभी कभी सिंगल मैच होता है जैसे हमें अभी मिला है सिचुएशन, और कभी कभी ये दो साइड्स मैच होती हैं। अगर एक साइड इस लेयर में मैच हो रही है और एक साइड इस लेयर में, तो हम उसे सिंगल लेयर मैच ही मानेंगे, क्योंकि वो दोनों ऐसे मैच होनी चाहिए एकदम अगल बगल वाली लाइन, ठीक है। तो इसमें हमने देखा ये नहीं मैच है, इसमें बीच में रेड वाला है, ये मैच है, इसमें ऑरेंज ग्रीन, हाँ करेक्ट, दिस लाइन इज कंप्लीटली मैच। ये भी मैच नहीं है, इसका मतलब ओनली वन लाइन इज मैच। तो हमारे पास इसके लिए दो एल्गोरिदम है, दो सेट्स ऑफ स्टेप्स हैं। एक सिचुएशन, दो सिचुएशंस के लिए, जब एक भी साइड मैच नहीं होता है, या फिर जब ओनली वन साइड मैच होता है जैसे अभी है, तो हम ये ऊपर वाली स्टेप्स फॉलो करेंगे। और जब दो साइड मैच होती है तब हम ये नीचे वाला स्टेप्स फॉलो करते हैं। अभी इस सिचुएशन में हमारी ओनली वन साइड मैच हो रही है, तो हम ऊपर वाला ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, और ये बहुत इजी है। मिडिल लेयर ये वाली है हमारी, मिडिल अप, टॉप लेफ्ट, मिडिल डाउन, टॉप अगेन लेफ्ट, देन मिडिल अप टू टाइम्स, वन टू। और आप देख सकते हैं आपका क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब हम मैं आपको बताती हूं वो सिचुएशन जब ये टू साइड्स मैच रहती है और ये मैच नहीं होती है, तब जब हम नीचे वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं, मैं अब आपको वो बताती हूं। ये हमारी थर्ड सिचुएशन है जिसके बारे में मैं बता रही थी आपको, जिसमें टू साइड्स मैच होता है। आप देख सकते हैं ये ब्लू एंड ऑरेंज मैच है, एंड ये ब्लू एंड रेड कंप्लीट मैच है। तो जब ये दो साइड एकदम साइड बाय साइड में है, एकदम आजू बाजू में है, तो ये पूरी साइड अगर मैच्ड है उसको आप बॉटम में ऐसे पकड़ लेंगे और ये नीचे वाले स्टेप फॉलो करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, दो ही स्टेप है जिसको हम रिपीट करते हैं थ्री टाइम्स। राइट राइट आपका ये वाला है, राइट अप टू टाइम्स, टॉप लेफ्ट ओनली वन टाइम, देन अगेन राइट अप टू टाइम्स, वन टू, देन टॉप लेफ्ट टाइम वन टाइम ओनली, देन अगेन राइट टू टाइम्स अप, वन टू, एंड देन वन टाइम लेफ्ट। एंड अब आप देख सकते हैं आपका क्यूब बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ये तीन कंडीशंस इसमें आती है, जिसमें जो दो है सिचुएशन जिसमें वन साइड मैच होता है या एक भी साइड मैच नहीं होता है, उसमें हम ये ऊपर वाला स्टेप्स फॉलो करते हैं, और जिसमें ये टू साइड्स मैच हो जाती है उसमें हम नीचे वाला फॉलो करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैचिंग दो लाइन आपको मैचिंग मिल रही है, एक इस साइड में और एक दूसरे साइड में, तो आपको ऊपर वाला ही फॉलो करना है। पर अगर दोनों आसपास वाले में हो तब आपको ये वाला सॉल्व करना है। और कभी कभी क्या होता है, वन टाइम में नहीं सॉल्व होता है, तो आप स्टेप्स को रिपीट कीजिए तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि ये क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं।
एंड आई नो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट और आपको और ज़्यादा लर्न करने की इच्छा होगी. क्यूब करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है और मज़ा तो बहुत आता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी क्यूबिंग टू ऑल.